नाइस ना। और दिखाओ मैडम, स्टील टॉप्स दिखाओ ना, अच्छा लग रहा है ये, है ना। हाँ भैया, इनके लिए तो 6-7 इंच वाली हील दिखा दो। ठीक है। हाँ बेटा बोल। माँ, हाँ मैंने टीचिंग एग्जाम क्लियर कर लिया। सच भैया? हाँ जी। फ्लैट सी दिखाइए। क्यों, क्या हुआ? कद बढ़ाने के लिए अब लटकना शुरू करोगी दिन रात 24/7? बेटी ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और टीचिंग एग्जाम क्लियर किया, और बच्चे जब तरक्की करते हैं ना तो माँ बाप का कद अपने आप बढ़ जाता है। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, SSC जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7, जॉब है तो रॉब है। हे गाइस, हेलो एवरीवन। बिल्कुल जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, ठीक टाइम पे मैं आ चुकी हूँ क्लास लेने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाओ, बहुत ही प्यारा लेसन। मेटल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेटल्स 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड होएगा। तो आज हम मेटल पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, अभी मेटलर्जी भी पढ़ेंगे। जी हाँ, तो फिलहाल मैं मेटल्स पढ़ाने जा रही हूँ, मेटलर्जी भी पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को टेंशन मत लीजिए। तो हर वो एग्ज़ाम जो सीटेट में आपके आएगा, हर चीज़ वो कराई जाएगी, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, है ना। चलो जी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट। यस बच्चा, बीएड एंट्रेंस के लिए भी यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल नहीं? क्या मेटल्स नहीं आएगा, क्या ओर्स नहीं आएगा? चलो, तो मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ टीचर अड्डा प्लेटफॉर्म पे, और आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का लेसन का नाम क्या है? द डेट इज़ मेटल्स। जी हाँ, मेटल्स ही पढ़ पाएंगे आज, क्योंकि ओर्स के लिए हमको मेटलर्जी की एक क्लास और लगानी पड़ जाएगी। तो टुडे आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स, और शायद कल आप लोगों की, आज क्या है, आज मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस बच्चा, संजना जी, इट इज़ यूज़फुल। जी हाँ बच्चा, इट इज़ यूज़फुल फॉर योर एग्जाम्स। एंड माय डियर, आज कल आपकी साइंस पेडागोजी की क्लास है। कल आपकी साइंस पेडागोजी की क्लास रहेगी, सेम टाइम सेम जगह। आप करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो माय डियर, सबसे पहले अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दे रखा है, फटाफट से ऐप को डाउनलोड करो। अभी तक भी अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं करी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड करो, ठीक है। चलो जी, बिल्कुल सब चल गया, ऑल परफेक्ट। चलो जी, अब हम चलते हैं आगे। मैम इस ऐप में क्या क्या मिलेगा? इसमें पेड क्लास मिलेंगी, PDF मिलेंगे, सक्सेस गाइड, जॉब अलर्ट मिलेगा, स्टडी नोट, वीडियोस, डाउट सेशन और डेली क्विज। और क्विज करने से, क्विज सॉल्व करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब जॉब है तो रॉब है, इस नारे के साथ आज के लिए हम फिर से ले आए हैं डबल वैलिडिटी, और बहुत सारे नए नए बैच आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए यूपी TGT का बैच आ रहा है, आप लोगों के लिए यूपी TGT का बैच आ रहा है। जी हाँ, आप लोगों के लिए यूपी TGT का बैच आ रहा है। वाह, अब अगर यूपी TGT का बैच आ रहा है तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, तो यूपी TGT का बैच आ रहा है, और इसमें इंग्लिश, हिंदी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब आप चाहें तो इन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को एक साथ आपकी महापैक में ले सकते हैं। तो अगर आप टीचिंग का महापैक लेंगे तो सारे बैचेस आपको एक साथ मिल जाएंगे, आपको पर्टिकुलरली कोई सिंगल बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टीचिंग के महापैक को लेने के लिए आपको कोड लगाना है Y431। जी हाँ, इस टीचिंग के महापैक को लेने के लिए आपको कोड लगाना है Y431। फटाफट से कोड लगाओ और अपना UP TGT का बैच ले जाओ। हिंदी वाले हिंदी के लिए लेके जाओ, साइंस वाले अपना बायो का ले जाओ, और आई एम वर्किंग कि हाँ मैं फिजिक्स का बैच जल्दी ले आऊँ, क्योंकि हाँ अभी मेरा थोड़ा टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं हो रहा है। अगर टाइम शेड्यूल फिक्स होता है तो पक्का मैं फिजिक्स का बैच लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि माय डियर मेरा सब्जेक्ट मास्टर्स फिजिक्स है, तो मैं फिजिक्स का बैच आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। बस थोड़ा टाइम देख लेती हूँ, 1 वीक में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट हो जाए तो, क्योंकि इतना ऑलरेडी शेड्यूल पूरा 10-11 आवर्स का लगा हुआ है, पैकअप है, तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ, ठीक है। चलिए जी, और इसी के साथ NCERT बेस्ड क्वेश्चन। अब सबसे पहला, माय डियर, इनमें से नॉन टॉक्सिक इन नेचर कौन सा है? उस धातु की पहचान करो जो आपका प्रकृति में जहरीला नहीं पाया जाएगा। तो कोई एक जहरीला नहीं है भाई, नॉन टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। अब बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल जी, चलो बोलो बच्चा, राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलो जी बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी दो, राइट आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से उस धातु की पहचान करो जो आपका नेचर में कैसा नहीं है, जो नेचर में आपका विषैला नहीं पाया जाएगा। तो भाई अच्छा सा क्वेश्चन है, और प्यारे से क्वेश्चन का प्यारा सा राइट आंसर दे दो। जी हाँ, प्यारे से क्वेश्चन का जल्दी से प्यारा सा राइट आंसर दो कि इनमें से कोई एक जो आपका है। माय डियर, जो नॉन टॉक्सिक होगा उसको बोलेंगे नॉन रिएक्टिव मेटल। क्या बोलोगे? उसको बोलोगे नॉन रिएक्टिव मेटल। नॉन रिएक्टिव को बोलते हैं अक्रिय धातु। क्या बोलोगे? अक्रिय धातु। और बच्चा अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव क्या पाया जाएगा? गोल्ड। और गोल्ड को बोलते हैं नोबल मेटल। क्या बोलते हैं? नोबल धातु, नोबल मेटल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल जी, जो गोल्ड होता है वो आपका एक ऐसा मेटल है जो आपका नॉन टॉक्सिक होता है। अगर बात करेंगे कैडमियम की, क्रोमियम की, कोबाल्ट की, तो ये जहरीली प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन के आंसर का, क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो। जी हाँ, क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर मत कहना कि मैम रह गया या हम नहीं कर पाए, क्योंकि देखो बच्चा, आप हैं तो हम हैं, और कहते हैं कि जॉब है तो रोब है, तो बस उस जॉब के लिए, उस रोब के लिए ही आपको हम पढ़ा रहे हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, उस जॉब के लिए, उस रोब के लिए ही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चल डन हो गया बच्चा। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मुझे बता दो, फिर मैं क्लास को आगे रन कराती हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं क्लास को आगे रन कराती हूँ। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टाइम ही कितना लगता है मैम स्क्रीनशॉट लेने में, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? माय डियर, लिक्विड ब्लीच का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाया जाता है? बहुत प्यारा। माय डियर, ब्लीच जिसको आप करते हैं, माय डियर, ये ब्लीच क्लोथ्स के लिए भी यूज़ की जाती है। ये ब्लीच क्लोथ्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ये आप फेशियल्स में यूज़ करते हैं। जो आपका लिक्विड ब्लीच होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाया जाता है, ये आपको बताना है। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता है तो शायद आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को राइट आंसर दे पाएंगे। चलो जी, आप बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी हाँ बच्चा, आपको लिक्विड ब्लीच का नाम बताना है कि बच्चा लिक्विड ब्लीच कहाँ पे यूज़ करते हैं। और बच्चा लिक्विड ब्लीच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं मैम? डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं? डिसइंफेक्टेंट। जी हाँ, डिसइंफेक्टेंट के रूप में हम लोग लिक्विड ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो आपके लिक्विड ब्लीच का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। NaOCl। जी हाँ, NaOCl। जी हाँ बच्चा, NaOCl इसको बोलते हैं लिक्विड क्लोरीन। क्या बोल सकते हैं? लिक्विड क्लोरीन भी बोल सकते हैं। My dear, when dissolved in water commonly known as bleach और liquid bleach। जब भी सोडियम हाइपोक्लोराइड को पानी के अंदर घोलते हैं तो या तो ये ब्लीच कहलाया जाता है, ये लिक्विड ब्लीच। और बच्चा इसको डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कीटाणुनाशक, यानी कि कीटाणु भगाने के लिए। जी हाँ, कीटाणु भगाने के लिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। कास्टिक सोडा क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये आपका बच्चा एल्फ्लोरिसेंट है, ये रिडक्टेंट है, ऑक्सीडेंट या फिर डेलिक्यूसेंट है। अब बताओ जी, कास्टिक सोडा क्या है? बोलो बोलो राइट आंसर क्या पाया जाएगा। जी हाँ, कास्टिक सोडा क्या है? बोलिए राइट आंसर क्या पाया जाएगा। सोच समझ के बताइएगा राइट आंसर क्या मिलेगा। बोलो जल्दी से। कास्टिक सोडा क्या है? सोच समझ के बताइएगा बच्चा राइट आंसर क्या आ जाएगा। कास्टिक सोडे का एक नाम क्या होता है भाई? कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जी हाँ, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और बच्चा ये आपका डेलिक्यूसेंट होता है। क्या होता है? डेलिक्यूसेंट होता है। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे मैम डेलिक्यूसेंट्स क्या पाए जाते हैं। चलो जी बच्चा देखते हैं। तो कास्टिक सोडे को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये एक डेलिक्यूसेंट होता है। डेलिक्यूसेंट क्या होता है बच्चा? द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स टेकिंग ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमोसफेयर एंड बिकमिंग वेट व्हेन एक्सपोज। बच्चा क्या करते हैं? हवा से नमी लेके भीग जाते हैं। हवा से नमी लेके जो सील जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेलिक्यूसेंट बोलते हैं। जी हाँ, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि नमक को क्या कर देता है? सीला सीला कर देता है ना। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चा ये सब क्या होते हैं, डेलिक्यूसेंट होते हैं। तो डेलिक्यूसेंट क्या होते हैं बच्चा, जो आपकी नमी को एब्जॉर्ब करते हैं और खुद क्या हो जाते हैं बच्चा, नमीदार हो जाते हैं। तो जो नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो नमी को अवशोषित करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्यूसेंट बोलते हैं। यानी कि वायु से मॉइस्चर हो जाएगा, वायु से पिघल जाएगा। तो नाम बिल्कुल सही लिखा था, है ना। नमस्ते बच्चा, नमस्ते। फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। मेटल्स की पहली क्लास आज है, अगले हफ्ते मेटलर्जी पढ़ाऊंगी। तो बच्चा बहुत ही देखो ना, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को लेके आई हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन वेल्डिंग ब्रोकन पीस ऑफ आयरन नेल्स एंड पार्ट ऑफ मशीन। निम्न में से किसका उपयोग करके रेल के टूटे हुए टुकड़ों को और मशीन के पुर्जों को वेल्डिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या पूछ रहा है बच्चा, वेल्डिंग करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करोगे, सोल्जर का इस्तेमाल करोगे, एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करोगे, या फिर नन ऑफ दीज का इस्तेमाल करोगे। चलो जी बताओ बच्चा, राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत सोच समझ के बोलना राइट आंसर माय डियर। अगर कोई आपसे पूछे आजकल की वेल्डिंग गैस में हम किसका यूज़ करते हैं, तो मेरे बच्चा आजकल की वेल्डिंग गैस में ऑक्सीजन और आर्गन का यूज़ किया जाता है। आजकल की प्रेजेंट वेल्डिंग गैस में हम लोग ऑक्सीजन और आर्गन का यूज़ करते हैं। चलो जी अब बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा। प्रियंका ने बोल दिया मैम ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, प्रियंका कह रही है कि मैम ऑप्शन नंबर ए जाएगा। कोई बात नहीं, देखते हैं कि राइट आंसर क्या पाया जाएगा। बच्चा क्या होता है कि वेल्डिंग करने के लिए जो हमें बुरादा चाहिए वो हम एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जाएगा। मतलब एल्युमिनियम तो सही था, लेकिन सल्फेट की जगह सिर्फ एल्युमिनियम पाउडर पाया जाएगा, बिकॉज एल्युमिनियम वो मेटल है जो सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है, अबेंडेंट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रकृति में आपका एल्युमिनियम ही पाया जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रोकन पीस ऑफ आयरन नेल्स। बच्चा इनकी वेल्डिंग करने के लिए आप एल्युमिनियम पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप ये बात याद रखना कि वेल्डिंग गैस में किसका यूज़ करते हैं, वेल्डिंग गैस में ऑक्सीजन और आर्गन का यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो पाउडर डालते हैं वेल्डिंग के लिए, वो वेल्डिंग पाउडर क्या होता है, एल्युमिनियम पाउडर। तो वेल्डिंग पाउडर क्या होगा आपका, एल्युमिनियम पाउडर पाया जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, येलो गैस विच पंजेंट ऑर्डर, यानी कि ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, ये तीखी गंध वाली गैस है, ये मच्छर की गंध के साथ गंध वाली गैस है, या फिर सड़े हुए अंडे वाली गैस है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। जी हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी चांदी को काला कर देती है, ठीक है, और आपके तांबे को भी काला कर देती है। जी हाँ, तांबे को काला, चांदी को काला कर देती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। अवंतिका बोलिए बच्चा, राइट आंसर क्या जाएगा। अवंतिका बोलिए, राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से सोच समझ के सोचो 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 सोचो, समझो और बोलो कि राइट आंसर क्या पाया जाएगा। सोचो समझो और बोलो कि राइट आंसर क्या पाया जाएगा। जी हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन का माय डियर कहते हैं कि सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है इसकी। तो बच्चा रोटन एग की तरह स्मेल होती है और ये कलरलेस पाई जाती है। तो इसकी स्मेल कैसी होती है बच्चा, रोटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है, और ये एक आपकी कलरलेस गैस है जिसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन आप सबके सामने है, लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल जी, जिन्होंने बोल दिया फिफ्थ का डी, बिल्कुल सही बोला, बाकी सब के गलत हो गए। ठीक है भाई, अब ये बार बार आ रहे हो जा रहे हो, बार बार बाय बाय बोल, तो क्यों बोल रहे हो बाय बाय, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो यहां पढ़ने के लिए आओ बच्चा। एक देखो, एक बार आ रहे हो ना तो कम से कम, ज्यादा नहीं 40 से 45 मिनट में पढ़ाती हूं, तो ऑलरेडी 15 मिनट निकल गए, तो 20-25 मिनट पढ़ लो दिल लगा के, क्या हो जाएगा बच्चा। क्योंकि मैंने क्या बोला है आपको, मैं यहाँ पे माचिस की तिल्ली बनाने को नहीं दे रही, मैं माचिस का आविष्कार करने को नहीं दे रही। माचिस के ऊपर एक क्वेश्चन आया है भाई, जिसने माचिस का आविष्कार करा है उसकी तो इज्जत रख लो, उस साइंटिस्ट की इज्जत के लिए कम से कम 10-15 मिनट पढ़ लो आराम से। द टिप ऑफ माचिस कंटेन, माचिस की तिल्ली की नोक में क्या होता है, ये आपकी माचिस की तिल्ली, ये जो ऊपर वाली नोक जिसमें मसाला होता है, ये मसाला क्या होता है, ये मसाले का नाम बताना है। मैंने ये बोला मसाला बनाओ, ये बोला पेड़ ढूंढ के लाओ, सिर्फ मसाले का नाम बताना है, बताओ जी क्या जाएगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। भाई अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल दूं यहाँ से यहाँ पे सब उठ के चले जाएंगे। शुक्र मानो एक्सपेरिमेंट नहीं बोला जा रहा, सिर्फ कहा जा रहा है कि बच्चा आपको आंसर बोलना है, और आंसर बताने में भी इनको इतना जोर लगता है कि बस मैं क्या बताऊँ। बच्चा PDF सारे के सारे ऐप में चाहते हैं, ठीक है। रेड फॉस्फोरस, जी हाँ रेड फॉस्फोरस माचिस की तिल्ली में लाल फॉस्फोरस पाया जाता है, ये जो मसाला होता है इस मसाले को रेड फॉस्फोरस कहते हैं, ठीक है। चलो जी पढ़ लो, देख लो। टिप ऑफ द मैच स्टिक कंटेन रेड फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच स्टिक यूज द एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस। बच्चा माचिस की तिल्ली फॉस्फोरस के कौन से एलोट्रोप का यूज करती है। अरे वाह, मतलब आंसर कहीं ना कहीं सेम है, बस क्वेश्चन अलग हो गया। बताओ जी क्या लॉक किया जाए। चलो जी बताओ फटाफट से क्या लॉक किया जाए। जी हाँ, कौन बनेगा सबसे तेज में आज, क्या लॉक किया जाएगा। तो आप बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बस ABC के नाम बदल दिए गए। तो 7th का राइट आंसर क्या जाएगा, 7th का राइट आंसर जाएगा रेड फॉस्फोरस, और ये ऑप्शन नंबर B में हो जाएगा। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर B में हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले जी, देख लो सॉल्यूशन भी देख लो। डन बच्चा, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट एबेंडेंट इनर्ट गैस इन द एटमोसफेयर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है। हीलियम, नियोन, क्रिप्टन या बच्चा जितनी भी आपकी ये इनर्ट गैस है ना, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स है। क्या आपको पता है कि जितनी भी आपकी इनर्ट गैस है सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स है। और इनर्ट गैस जो है वो ग्रुप 18 में आती है। जी हाँ, 18वें ग्रुप में पाई जाती है। बताओ कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और ये पाई जाती है 0.93%। जी हाँ, इससे ज़्यादा नहीं पाई जाएगी। तो 0.93% क्या पाया जाता है, सबको बताया मैम, ये हवा के अंदर पाई जाती है, ये हवा के अंदर पाई जाएगी। इसका नाम क्या होता है, आर्गन होता है बच्चा, हीलियम नहीं होता, आर्गन होता है। मैंने एटमॉस्फेयर की बात करी है बच्चा, ठीक है। तो बच्चा हीलियम नहीं पाया जाएगा, आर्गन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चा, हीलियम नहीं पाया जाएगा, आर्गन पाया जाएगा। एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है बच्चा, एटमॉस्फेयर मतलब होता है आप लोगों का एयर। क्या होता है, एयर होता है। तो बच्चा मोस्ट अबेंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर इज आर्गन। जी हाँ, क्या होती है बच्चा, आर्गन होती है, ठीक है बच्चा। और इसकी वैल्यू कितनी पाई जाती है, 0.93% जो होता है ये पाया जाता है आपकी हवा के अंदर, ठीक है। ये देखो सब गड़बड़ कर देते हैं। हीलियम को पता है क्या बोलते हैं, ओ माय गॉड, OMG, हीलियम को बोलते हैं लाइटेस्ट नोबल गैस। क्या बोलते हैं, लाइटेस्ट नोबल गैस, सबसे हल्की नोबल गैस। सबसे हल्की नोबल गैस आपकी कौन सी होती है, हीलियम होती है। कौन सी होती है, हीलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन कलर सीन इन द फायर वर्क डिस्प्ले इज ड्यू टू क्लोराइड साल्ट ऑफ। आतिशबाजी, जब भी आप अनार बम जलाते हैं तो इस अनार बम के अंदर आपको अनेक अनेक प्रकार के रंग दिखते हैं। इस अनार बम के अंदर आपको अनेक अनेक प्रकार के रंग दिखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर कौन से साल्ट के कारण बनता है, बस ये आपको मुझे बताना है बच्चा। सोडियम के कारण, कैल्शियम के कारण, बेरियम या स्ट्रोंशियम। बोलो जी राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ बोलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग किसके साथ मूव करना पसंद लेसन करेंगे। चलो जी, फिर मैं आपको बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ। तो माय डियर, यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा साल्ट आपको पटाखे में हरा रंग दिखाएगा? ओहो, मैडम ने ये क्या पूछ लिया, बच्चा एग्जाम में आएगा। जी हाँ, और मैं पेड कोर्स में वही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तभी कह रही हूँ कि अभी भी ऑप्शन है, कोड लगाओ वही 431 और पेड कोर्स ले जाओ। जी हाँ, अभी भी कोड लगाओ। और आज तो डबल वैलिडिटी है, सीटेट का बैच भी मिल जाएगा, सुपर टेट भी मिल जाएगा, और बच्चा केवी का बैच और यूपी टीजीटी, तो 4-5 बैच इकट्ठे मिल जाएंगे आपको। अब देख लो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ में है। बैरियम जाएगा, राइट आंसर क्या जाएगा? बैरियम जाएगा। अब आपके लिए एक्सप्लेनेशन देख लो। ग्रीन कलर जो होता है वो बैरियम क्लोराइड के कारण पाया जाता है। अब देखो, लाल कलर स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण होता है, ब्राइट रेड कलर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण। अब लाल भी दो तरीके का, एक चमकीला लाल, एक हल्का लाल। गोल्डन येलो सोडियम साल्ट के कारण, ब्लू कलर कॉपर साल्ट, सिल्वर कलर एल्युमिनियम पाउडर। और कोई बोलेगा ग्रीन कलर, तो क्या लिखोगे? ग्रीन लिखना बैरियम क्लोराइड BaCl2 के कारण। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही VIP कॉन्सेप्ट है बच्चा। देखो, यही तरीका है मेरे पढ़ाने का। अगर मैं एक अलग फॉर्म में आई हूँ तो हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन से देखने को मिलेगी। मेरे थ्योरी क्वेश्चन में आपको हर वो थ्योरी जो एग्जाम में आएगी मिलेगी। बिल्कुल जी, मैं भी 12th में पढ़ा था, प्रदीप राठौर जी 12th में पढ़ लिया, लेकिन अब दोबारा पढ़ने का मौका मिल गया। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे, अगर आते हैं तो आपका फायदा, नहीं आते तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, याद रखना। चलो जी, स्क्रीनशॉट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जाएगा। Which of the following displaces hydrogen from acid to form the salt? इनमें से कौन अम्ल से हाइड्रोजन को हटाएगा? बच्चा, कौन हाइड्रोजन को हटा के नमक बनाएगा? यानी कि हाइड्रोजन को हटा के नमक कौन बनाएगा? सल्फर बनाएगा, सोडियम बनाएगा बच्चा, आर्गन, सिल्वर बनाएगा या फॉस्फोरस बनाएगा? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, कौन नमक बनाएगा? अरे वाह, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बच्चा, नमक कौन बनाएगा? अब नमक कैसे बनेगा? तो भाई नमक का फॉर्मूला क्या पाया जाएगा मैम? NaCl पाया जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें मैम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे H के साथ क्या पाया जाएगा? ये हो गया। तो माय डियर, यहाँ पे सिंपल सी बात आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन करेगा, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी बताओ, तो सोडियम ने किसको डिस्प्लेस करा? सामने सामने लिख रहा है, सोडियम ने किसको? भाई सीधी सी बात है ना मैम, यहाँ पे जाएगा ये। तो बच्चा, यहाँ पे सोडियम डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन को, यहाँ पे सोडियम डिस्प्लेस, मतलब यहाँ पे सोडियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये एक विस्थापन रिएक्शन हो जाएगा और बन जाएगा NaCl। तो आया समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अरे मैंने गलती से सोडियम लिख दिया, फिर भी आप सोडियम नहीं समझ पाए मेरे बंदर हो, तुम लोग भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाइड्रोजन इज बिलो द सोडियम। बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन सोडियम के नीचे पाया जाएगा, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, और हमको पता है कि हाईली रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सोडियम पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिक्विड केमिकल यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन एंड क्लाउड सीडिंग। बच्चा, कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग कराने के लिए, कल हमारे पुराने मित्र का हमारे पास रात को मैसेज आया, रात को 12:30 बजे, कह रहे सो गई? मैंने कहा नहीं, मैं तो जाग रही हूँ अभी, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। तो उसने मेरे को एक बात बोली, कह रहा कि मेरा ना काम करने का मन करता है जब बारिश होती है। तो मैंने उसको बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैंने कहा एक काम कर भाई, कि तू ना एक कंपनी हायर कर ले जो डेली रात को तेरे घर के बाहर आर्टिफिशियल रेन कराए, उससे क्या डेली बारिश होगी, तुझे काम करने का मन करेगा, तो अपनी जॉब भी करता रहेगा। तो हंसने लगा। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने तो उसको जस्ट समझाया था ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बच्चा, नकली बारिश करने के लिए हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ड्राई आइस का यूज़ करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज का यूज़ करते हैं? बहुत प्यारा। जी हाँ, बोलो माधुरी जी, हैं माधुरी गर्ल, धक गर्ल, क्या हो गया? बोलो बोलो, राइट आंसर क्या जाएगा? माय डियर, नकली बारिश करने के लिए किस किस चीज़ की यूज़ होती है? भाई, पानी करने के लिए नमक भी चाहिए, सिल्वर आयोडाइड भी चाहिए और ड्राई आइस भी चाहिए। तो चारों ही चीज़ पाई जाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चा चारों चीज़ पाई जाएंगी। जी हाँ, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस तीनों मिलके क्या करेंगी, बारिश करेंगी। फिर आप गाना जुबी डुबी पंपा, है ना। चलो जी, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या जाएगा। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड आप लोगों का ड्राई आइस, ये सब मिलके क्या करते हैं केमिकली क्लाउड सीडिंग, या फिर भाई क्लाउड सीडिंग मतलब बादलों को फाड़ना। बादलों को फाड़ते हैं और आपकी नकली वर्षा कराते हैं। तो बच्चा ये बादल फट गया और नकली वर्षा हो गई और बस हो गया गाना शूट, है ना। बिल्कुल जी। आगे, कौन सी इनर्ट गैस बैकन लाइट में यूज़ करते हैं। बच्चा बैकन लाइट क्या होती है, जब इंतकाम देखा जाता है, जब ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, इंतकाम में लोग IS बन जाते हैं। अब ये जो IS की ये जो IS है ना, ये जो IS PCS होते हैं, इनकी गाड़ी में जो लाल बत्ती होती है, इस लाल बत्ती को बोलते हैं बैकन लाइट। इस लाल बत्ती को बोलते हैं बैकन लाइट। इस बैकन लाइट में एक आपकी नोबल गैस फिल की जाती है। उस नोबल गैस को क्या बोलते हैं, बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। बोलो राइट आंसर क्या जाएगा। चलो बच्चा, एक बात याद रखना आप लोग कि अभी तो आप लोग यहाँ पे आप लोग मस्ती किए जा रहे हैं, लेकिन माय डियर जब आपके एग्ज़ाम आएगा, जब आपकी मस्ती काम नहीं आएगी, तो मैं पहले आपको सोच समझ बता रही हूँ। नियोन पाया जाएगा। बच्चा बैकन लाइट में नियोन का यूज़ किया जाता है। जी हाँ, नियोन गैस का यूज़ करते हैं गाड़ियों की बैकन लाइट में। ठीक है, तो सब ने बोल दिया आर्गन। नहीं बच्चा, आर्गन का यूज़ नहीं करते, नियोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी। चलिए जी, ओके मिस्टर चौहान, हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई नियोन गैस का यूज़ करते हैं बैकन लाइट में और आपके सेफ्टी सिग्नल में, क्योंकि बच्चा ये क्या करती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि दूर तक भेद जाती है। तो बच्चा फोग के टाइम पे या फिर जो आपकी सड़कें होती है उसमें नहीं, जो येलो पट्टी होती है, वो येलो पट्टी वो सेफ्टी साइन। जी हाँ, सेफ्टी साइन में भी हम लोग नियोन लाइट का यूज़ करते हैं। सेफ्टी बेल्ट या सेफ्टी साइंस में भी हम लोग नियोन गैस का करते हैं। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा। ये कोहरे के अंदर भी बिल्कुल डीप करते हुए आगे निकल जाती है। ठीक है, चलो जी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने करी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ जी। हाइड्रोजन की खोज किसने करी, बॉयल्स ने, चार्ल्स ने, कैवेंडिश ने या आपके प्रिस्टली ने। बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। जी हाँ, हाइड्रोजन की खोज किसने करी, बोलो राइट आंसर क्या जाएगा। पढ़ाओगे कब तक होगा क्लास प्लीज़। अमरजीत जी, बच्चा देखो आपकी क्लास डेली होती है 7 से 8, तो बस मैं आपको 7 से 8 पढ़ा रही हूँ, है ना। बोलिए बच्चा, किसने करी थी हाइड्रोजन की खोज, किसने करी थी। तो माय डियर यहाँ से बच्चों के राइट आंसर आ चुके हैं। इनफैक्टली कई लोगों ने बोल दिया कैवेंडिश ने, जैसे कि राइट आंसर आया है कविता का, प्रियोबत्रा का, सोफ्टी का, कुमार का, रंजीत का, शनि का, सरू का, माधुरी का। जी हाँ, हेनरी कैवेंडिश ने खोज करी थी आप लोगों की। एंड हेनरी कैवेंडिश, देखो ये इनकी ब्लैक एंड वाइट फोटो है। इन्होंने 1766 में किसकी खोज करी थी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जो है बच्चा, वो बहुत ही लाइटेस्ट गैस है और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल। हाइड्रोजन बहुत ही लाइटेस्ट गैस है, इसको बोलते हैं फ्यूचर फ्यूल। और जर्मनी ने इससे ईंधन बनाना भी स्टार्ट कर लिया। जर्मनी देश ने इससे ईंधन बनाना भी स्टार्ट कर लिया है। जी हाँ, और जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं, जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोपेलेंट फ्यूल। क्या बोलते हैं, प्रोन्धक इंजन, प्रोपेलेंट फ्यूल। और इस प्रोपेलेंट फ्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड की जाती है। तो बच्चा जो आपके एयरक्राफ्ट हैं, जो आपके एरोप्लेन्स हैं, उनमें जो ईंधन पाया जाता है वो आपका प्रोपेलेंट फ्यूल होता है। क्या होता है, प्रोपेलेंट फ्यूल होता है। चलो जी, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। निहारिका कुमारी कह रही है मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर। आगे बच्चा, वनस्पति घी बनाने के लिए, माय डियर डालडा घी को बोलते हैं वनस्पति घी। तो डालडा घी बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हीलियम का या हाइड्रोजन का। जी हाँ, बोलो राइट आंसर क्या आ जाएगा। बोलिए बोलिए बच्चा, राइट आंसर क्या जाएगा कि वनस्पति घी बनाने के लिए हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं। जी हाँ माय डियर, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, जी हाँ हाइड्रोजिनेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो अब बताओ राइट आंसर क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? भाई हाइड्रोजिनेशन होएगा तो मैम ऑब्वियस सी बात है कि हम हाइड्रोजन का ही यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा मेरे? हाइड्रोजन। कम ऑन एवरीबॉडी, डू लाइक एंड शेयर। बच्चा ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चा। अनसैचुरेटेड फैट को, अनसैचुरेटेड 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 फैट को सैचुरेटेड फैट में बदलना। सैचुरेटेड अनसंतृप्त वसा को संतृप्त वसा के अंदर बदलना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तेल से घी बनाना, आम भाषा में क्या लिख सकते हैं? तेल से घी बनाना। जब हम तेल से घी बनाते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं? और इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। ओजोन के अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन? भाई ओजोन क्या है? ओजोन को बोलते हैं एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, ये आपकी ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। अब बताओ कि ओजोन के अंदर क्या चीज़ पाई जाएगी? बिल्कुल जी हाँ हाँ बिल्कुल जी हाँ, नाइट्रोजन गैस अंकल चिप्स में। ये देखो, लाओ दो बच्चा एक जरा अंकल चिप्स, लेकिन वो लेस का क्रीमी फ्लेवर मेरे लिए जरा ला के देना है, मुझे भूख लग गई आपकी ये बात सुन के। तो जल्दी से मेरे लिए लाओ। मैम डर गई मैं, तो फिर मैंने लाइक कर दिया। तुम शैतान बच्ची ज्योति शर्मा। चलो जी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? मैंने बता दिया कि जो ओजोन है वो आपका एलोट्रोप है। जी हाँ ओजोन क्या है मैम? ओजोन हमारा एलोट्रोप है। तो भाई एलोट्रोप है तो भाई सिर्फ ऑक्सीजन 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 पाया जाएगा। तो 3 टाइम ऑक्सीजन 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 पाया जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। माय डियर, अगर वो ऑक्सीजन का एलोट्रोप है तो उसमें कार्बन कैसे पाया जाएगा? नाइट्रोजन कैसे पाया जाएगा? सिंपल फंडा, उसमें ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर जाएगा। सनी जी क्या हो गया? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। ओजोन कंटेन ऑक्सीजन एंड इट इज द पेल ब्लू गैस। ओजोन कैसी है? पेल ब्लू गैस है। जी हाँ, जो दिख रही है ना ये पेल हल्की नीली गैस। तो कोई पूछे कि ओजोन का कलर कैसा होता है तो ओजोन का कलर हल्का नीला होता है, पेल ब्लू। ओ माय गॉड, पहली बार शायद आप लोगों ने ओजोन का कलर पढ़ा होगा। ईमानदारी से बताओ, क्या इससे पहले कभी आप लोगों ने ओजोन का कलर पढ़ा था? यस और नो? आज पहली बार आप लोगों ने ओजोन का कलर पढ़ा है। क्यों? क्योंकि निहारिका मैम ने पढ़ा है ना? इससे पहले नहीं पढ़ा था। बस वही चीज़ बच्चा, हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम में आएगी, हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम में आएगी वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रेगुलर सेशंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके लिए आपको रेगुलर सेशंस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला आर्टिकल क्या जाएगा। ओजोन इज रिप्रेजेंटेड एज। बच्चा ओजोन को किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? अरे अभी तो हमने पढ़ा है, अब तो फटाफट से सेकंड्स में राइट आंसर आना चाहिए कि ओजोन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बोलो राइट आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल जी, ओजोन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलिए फटाफट से। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है या डी है? तो बोलो बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा? ओजोन को। मैम भूख लग गई, मुझे कभी भूख लग रही है। आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो जाऊंगी ऑफिस से, तो आज मैं जाके टिक्की और गोलगप्पे खाने वाली हूँ। आप भी जाइए टिक्की गोलगप्पे खाइए। आ हमारे गली के पास जो अंकल भैया बैठते हैं वो बड़ी ही मज़ेदार टिक्की, ओहो मज़ा आ जाता है। पर टिक्की खा के मैंने पिछले 2 महीने से टिक्की नहीं खाई, तो आज मैं टिक्की खाने जाने वाली हूँ। जिसको टिक्की खानी है जल्दी से आ जाओ, टिक्की खाने चलेंगे साथ में। राइट आंसर क्या जाएगा? O3 जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? O3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ये हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चा, अ वाइट सॉलिड ए गिव्स गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। एक सॉलिड है जिसने एक गैस निकाली और उस गैस ने आपके लाइम वाटर को दूधिया बना दिया। द रेसिड्यू इज येलो बट टर्न वाइट ऑन कूलिंग। जो अवशेष था वो पीला था लेकिन ठंडा होने पे क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। तो वो सॉलिड क्या पाया जाएगा ये आपको बताना है। वो जिंक सल्फेट है, वो जिंक कार्बोनेट है, वो लेड सल्फेट है या फिर वो लेड कार्बोनेट है। बोलो राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल शानदार तरीके से दोगे, राइट आंसर क्या जाएगा। एक सॉलिड है जी हाँ जिसने क्या किया, एक गैस निकाली और उस गैस ने आपके लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। उसके बाद जो रेसिड्यू था वो येलो था लेकिन ठंडा करने पे रेसिड्यू भी क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। तो आपको उस सॉलिड ए को बताना है, वो ए क्या पाया जाएगा। माधुरी जिंक, ओ माय गॉड, चलो जी कोई बात नहीं। तो कई लोग जिंक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जी हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि मैम जिंक पाया जाएगा। बच्चा जिंक तो पाया जाएगा डन, लेकिन जिंक के साथ बच्चा आपको बताए ना कि हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट। तो गाइस वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, सल्फेट। अरे बताओ मिल्की गैस तो कैल्शियम के प्रेजेंट में होगी ना, तो कार्बोनेट तो पाया जाएगा। CaCO3 उसके बिना कैसे काम हो जाएगा बच्चा। ZnCO3 भाई कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जिंक कार्बोनेट जाएगा। क्या जाएगा, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट टूटेगा और आपका क्या मिलेगा, ZnO येलो कलर का। और इस येलो को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। और आपको पता है कि बच्चा जो आपकी CO3 जो कार्बोनेट होता है वही कार्बोनेट क्या करती है, हमेशा दूध हमेशा पानी को मिल्की कर देगी। तो कहाँ पे अटक गए थे बच्चा, कहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, लाइम वाटर को बदल देती है कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कि मिल्की अपीयरेंस दे देती है ना। चलो फाइनली आपको दोनों यानी कि यहाँ पे इसने दो क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज कर दिया। एग्जामिनर ने यहाँ पे दो क्वेश्चन देके आपको अलग तरीके से क्या किया, कंफ्यूज कर दिया। ठीक है प्रदीप राठौर जी, मैं हूं भारतवासी। अगला क्वेश्चन बच्चा, इनमें से विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड, इनमें से किसको बनाया नहीं जा सकता। जो हम बना नहीं सकते वो क्या है, HE2 HE HE पॉजिटिव या HE2 पॉजिटिव। बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन है। चलो जी तो हम तो बैठ गए 2 मिनट के लिए और आप देंगे राइट आंसर क्या जाएगा। बिल्कुल जी हम बैठ गए और आप देंगे राइट आंसर क्या जाएगा। मैम इनमें से किसको बनाया नहीं जा सकता। जी हाँ जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसको हम बना नहीं सकते। बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा। जो एक लॉजिक लेस है, इनमें कोई एक है जो लॉजिक लेस है। बच्चा ये लॉजिक है, ये भी लॉजिक, लेकिन ये आपका लॉजिक लेस है। ये आप लोगों का लॉजिक लेस। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नोबल गैस जो होती है वो मोनोटॉमिक होती है, तो वो आपके हाइड्रोजन से बन जाती है। ठीक है चलो जी ठीक है चलें आगे। बिल्कुल जी और यहाँ पे आएगा HE2 नहीं बनेगा, ये 2 था, गलती से नहीं लिख गया, ये 2 था। ठीक है अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है। बढ़िया क्वेश्चन, 2 राइट आंसर। मैं एक गिलास पानी पी रही हूँ, मैंने उठाई आज, मैं मेरी फर्स्ट क्लास है बट ये क्लास बेस्ट है पर क्लास ले रही हूँ। कोर्स आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल। थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच। तो रेगुलर क्लास लिया करो, साथ से आप टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो। और पानी पी रहे थोड़ा सा। कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट या कैल्शियम डाइक्लोराइड। अब बताओ जी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या पाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या पाया जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है मैम, CaOCl2। ये लो फॉर्मूला लिख दिया, आप केमिकल नेम बताओ क्या जाएगा। फॉर्मूला लिखने के बाद भी अगर आप नहीं बता पाएंगे तो कैसे काम चलेगा बच्चा। इसको हाइपो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपो। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोलते हैं, हाइपो हाइपोफ्लाइन भी बोलते हैं। तो अभी तो कैल्शियम क्लोराइड लिख दो, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और बच्चा डिसइंफेक्शन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके हम क्लोरोफॉर्म भी बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से बनाए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, यह आपका क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है बच्चा? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का यूज़ कहाँ करते हैं माय डियर? एनेस्थीसिया के लिए। जी हाँ बच्चा, एनेस्थीसिया के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। एनेस्थीसिया के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट? बिल्कुल जी, ओके बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग यूज इन कॉमनली डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। बच्चा पानी को डिहाइड्रेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? जी हाँ, पानी का निर्जलीकरण करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर का, एलम का, बोरेक्स का या सोडा वाटर का? दो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पानी का निर्जलीकरण करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? दो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पानी को डिहाइड्रेट कर देंगे। एक होता है हाइड्रेट, पानी को गायब करना, तो पानी को गायब करने के लिए किसका यूज़ करोगे? पानी को डिहाइड्रेट करने के लिए किसका यूज़ करोगे? तो पानी को डिहाइड्रेट करने के लिए आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। CaOCl2 से पानी क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट। बच्चा पानी के गुण खत्म करने ना, पानी डिहाइड्रेट करना है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपके पानी को निर्जलीकरण करता है, यानी कि पानी खत्म कर देगा। निर्जलीकरण मतलब पानी को डिहाइड्रेट। एक होता है हाइड्रेटिंग करना, एक होता है डी मतलब हटा देना, तो उसको डिहाइड्रेट कर देगा। बच्चा इनमें से कोई एक भिन्न है, उस भिन्न का नाम बताओ। मार्बल, लाइमस्टोन, स्लेक्ट लाइम या चोक, इनमें से कोई एक भिन्न है तो उनमें से ओड का नाम बताओ। अरे वाह, सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन, सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन। अब बताओ जी राइट आंसर क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, इनमें से कोई एक भिन्न है, वो भिन्न क्या है आपको मुझे बताना है। जी हाँ, वो भिन्न क्या है आपको बताना है। बोलो जी राइट आंसर क्या आ जाएगा? सोच समझ के देना। जी हाँ, सोच समझ के देना। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बच्चा स्लेक्ड लाइम। एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लेक्ट लाइम। चोक है, डेट इज अ लाइम स्टोन। चोक इज अ काइंड ऑफ लाइम स्टोन। मार्बल इज अ काइंड ऑफ लाइम स्टोन। और लाइम स्टोन तो लाइम स्टोन है ही, लेकिन स्लेक्ड आपका लाइम स्टोक नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लो, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रोग है जिसके अंदर क्या होता है बच्चा? आपका लाइम स्टोन पाया जाता है। चौक के अंदर भी लाइम स्टोन पाया जाएगा, लेकिन जो स्लेक्ट लाइम है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, और ये जो होता है ये कलरलेस क्रिस्टल होता है। बाकी सारे में क्या है बच्चा? CaO पाया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पाया जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। बाकी सबके अंदर आपका क्विक लाइम देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, चलो जी। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया बच्चा लाइम स्टोन क्या है और आपका स्लेक्ट लाइम क्या पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइम वाटर बिकम्स मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब बताना राइट आंसर क्या आ जाएगा? चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण हवा के संपर्क में आने पे सफ़ेद हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा? कार्बन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन डाइऑक्साइड के या सल्फर डाइऑक्साइड के? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? किसकी प्रेजेंस में आपका पानी दूधिया हो जाता है? किसकी प्रेजेंस में आपका पानी दूधिया हो जाएगा? बोलो। प्रदीप जी गलत हो गया, कोई बात नहीं। स्वरूप, प्रदीप, ज्योतिन, अमिता, प्रीति, रक्षांदा, क्रिंसी, रंजीत जी, बोलो बच्चा राइट आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से? कार्बन। बहुत बढ़िया जी। और यहाँ से प्रियोपत्र का राइट आंसर। मैंने बोला था ना कार्बन, और कार्बन से क्या बनेगा मैम? CO2 बन जाएगा। तो कार्बन की प्रेजेंस से ही आपका पानी क्या हो जाएगा बच्चा? वो आपका दूधिया हो जाएगा, ठीक है। और यह है ही आपको कि लाइम वाटर बिकम मिल्की व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, बच्चा इनमें से कोई एक गैस है जो रंगीन गैस है, इनमें से कोई एक रंगीन गैस है, रंगीन गैस कौन सी है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। वाह, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। चलो जी, दो राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से कलर्ड गैस कौन सी है। तो दो मेरे प्यारों कलर्ड गैस का नाम क्या है, और वो जो कलर्ड गैस है वो आपकी येलो कलर की पाई जाएगी। जी हाँ, उसको बोल सकते हैं ग्रीनिश येलो कलर। जी हाँ, उस गैस को आप बोल सकते हैं ग्रीनिश येलो कलर, उसको बोल सकते हैं ग्रीनिश येलो कलर। अब बताओ जी, ये ग्रीनिश येलो कलर क्या है, क्लोरीन, अरे वाह बहुत शानदार, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कलरलेस गैस है। लेकिन जो क्लोरीन है वो आपकी कैसी गैस है बच्चा, क्लोरीन आप लोगों की ग्रीनिश गैस पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली लाइम वाटर इज, बच्चा लाइम वाटर को आप क्या बोलेंगे, ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि लाइम वाटर को आप लोग क्या बोलेंगे। चलो जी बताओ क्या जाएगा, लाइम वाटर को आप क्या बोलोगे। जी हाँ बच्चा, लाइम स्टोन की बात नहीं कर रही, लाइम वाटर की। लाइम वाटर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बार आ गया। चलो जी, अब बताओ जी क्या जाएगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चा जो लाइम वाटर होता है इसको हम CaOH होल ट्वाइस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लाइम वाटर को लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस। और अगर CaOH होल ट्वाइस पाया जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो केमिकली लाइम वाटर इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा ही दिया, ठीक है। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए जो आज डबल वैलिडिटी ऑफर है वो मैं दिखा देती हूँ। आज है डबल वैलिडिटी ऑफर, जी हाँ बच्चा, आज है डबल वैलिडिटी ऑफर। तो अगर आप ऐप पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे सीधा आप वर्टिकल खोलना, टीचिंग वर्टिकल, देखो बहुत सारे वर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा टीचिंग पे जाना है और टीचिंग के महापैक पे आओ। सीधा महापैक के अंदर देखो क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। अगर ये महापैक है आपका, ये देखो बच्चा ये महापैक है, तो महापैक के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें। कैसे आज मैं दिखाई देती हूँ, देखो डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो ही चुका है। तो अगर आप लेते हैं बच्चा 6 महीने का महापैक तो इसकी फीस कितनी है, 12,499। और इस महापैक के अंदर आपको कौन कौन से बैच मिलेंगे बच्चा, CTET, SUPERTET, रीट, DSSB और UPTGT के जो नए बैच आए हैं। UPTGT के जितने भी नए बैच आए हैं सारे के सारे बैच आपको टीचिंग के महापैक में मिलेंगे। बाय नाउ पे आप जाएंगे, जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे यहाँ पे कूपन कोड मांगेगा, तो कूपन कोड लगाना Y431, मेरा लव कोड Y431। जैसे आप लोग लगाएंगे, ओ माय गॉड ये बैच तो बहुत सस्ते में हो गया। और 1 साल के लिए आपके पास बैच आ जाएगा। 1 साल में आपकी KV की तैयारी, आपकी CTET की तैयारी, UPTGT की, हर बैच की तैयारी बहुत ही आराम से आप लोग कर सकते हैं। और जैसे ही प्रोसीड करेंगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर अभी तक भी आपने बैच नहीं लिया टीचिंग का महापैक तो फटाफट से आप टीचिंग के महापैक में आए। महापैक वाले बच्चे क्या करते हैं कि वो CTET की क्लास भी देख सकते हैं, यानी कि सारी क्लासेस देखने के लिए उनको बार बार बैच परचेज नहीं करना पड़ता। महापैक में सारी क्लासेस का एक्सेस उनके पास में होता है। जी हाँ, पैक में सारी क्लासेस का एक्सेस उनके पास में पाया जाता है। तो फटाफट से डबल वैलिडिटी में अभी के भी टीचिंग का महापैक ज्वाइन कर लो। इसमें आने वाले UPTGT के सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तो अभी चलती हूँ, मुलाकात करेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। अंटिल, जय हिंद, जय महाकाल, शुभ रात्रि मेरे बच्चा लोग।